बाजार को लेके काफी एक्साइटमेंट है एंड लोग काफी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं गाना, सो टेल अस समथिंग अबाउट इट. बाजार का ऑडियो जब मेरे पास आया था तो मुझे कॉल आया, और सबको पता है पहले मेरे पास ऑडियो आता है कि मतलब मुझे अगर अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ. तो उन्होंने जब मुझे भेजा और साथ में ही लिख दिया कि आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगा, तो जब ऑडियो मेरे पास आया और मैंने सुना तो अफसाना इज अ ब्रिलियंट सिंगर, सभी को पता है, और ये गाना मतलब बहुत टची था. मैंने इससे पहले मन पर यह सॉन्ग किया था जिसमें जैसे ऐसी कोई ऑडियो आता है मेरे पास, में बड़ा एक्साइटमेंट लेवल बड़ा बढ़ जाता है कि वो अच्छा इसमें एक्ट बड़ा अच्छा करने को मिलेगा, और बड़ा अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग स्टोरी होगा थोड़ा सीरियस होके. तो मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे जब सॉन्ग आते हैं. तो जब ये सॉन्ग आया तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, और ये वीडियो 4 दिन पहले मेरे पास गूगल ड्राइव पे आया था और मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लिया था. तो बड़ी एक्साइटेड थी कि जल्दी से जल्दी रिलीज हो ये गाना, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया. बहुत. और शूटिंग करते वक्त कितना मजा आया, क्योंकि एज एन एक्टर आपको बहुत सारे यू नो वेरिएशंस देने के लिए मिले हैं एक ही सॉन्ग में. आप जहाँ एक यू नो मैरिड वुमन का भी कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और यू नो इमोशनल सीन्स भी हैं, रोमांटिक भी हैं, तो एज एन एक्टर कितना सेटिस्फाइंग था वो? जब पंजाब में शूट होता है तो बीच में रेस्ट का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, बिकॉज डेट्स मैनेज करना औरों की सबकी, बिकॉज बैक टू बैक शूट चल रहे थे. तो हमने ये एक दिन में फिनिश किया था सॉन्ग. ओके. तो दैट डे, और मुझे हर शूट से पहले आज भी उतनी एक्साइटमेंट होती है जैसे पहले शूट की होती थी. तो मैं रात को सो नहीं पाती, तो उस दिन बहुत स्लीपी भी फील कर रही थी. हर शूट पे मेरे को नींद नहीं आती है रात को, तो थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी, और बैक टू बैक फटाफट, और गर्मी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी. तो जब लास्ट में हमने जो लास्ट पार्ट शूट किया था, वो जब रेन वाला सीन है गाड़ी का, तो उस टाइम तक मेरी हालत खराब हो गई थी. बहुत बुरा हाल हो रहा था कि सुबह के 4 बजे तक. तो हमने 24 आवर्स कंटिन्यू शूट किया. 4 बजे का कॉल टाइम था और नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे तक शूट चला था. और उसके बाद ड्राइव भी मैं खुद करके वापस आई और मेरी हालत खराब हो गई थी उस दिन. स्लीपी काफी फील कर रही, बट ठीक है. टीम बड़ी अच्छी थी. जो युवराज हैं वो इज अ वेरी गुड एक्टर, एंड जो जिन्होंने डायरेक्ट किया है वो काफी सीनियर डायरेक्टर हैं. तो फटाफट हो रहा था, तो हमने ऑलमोस्ट 24 आवर्स में फिनिश कर दिया. एंड जो फ्रेंड्स देख रहे हैं, फैमिली देख रही है, उनके तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? हमारे घर में बहुत कम होता है जब कोई गाना आता है, तो हम जब हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑडियो इतना सुन चुके होते हैं पहले जब आता है, तो जब गाना आता है उसके बाद सब बहुत नॉर्मल रिएक्ट करते हैं. क्योंकि जब सेंसर कट हमारे पास आता है, सेंसर कॉपी आती है सॉन्ग की मेरे पास आती है, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके होते हैं. लेकिन ये एक ऐसा गाना है, वन ऑफ द सॉन्ग्स में से है, कि जैसे मन परया या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या और जैसे सॉन्ग थे, कल्ला सोना नहीं था, उस सॉन्ग के बाद ये ऐसा है कि जो हम लूप पे सुने जा रहे हैं ना, बैक टू बैक कंटिन्यूसली सुन रहे हैं. तो फैमिली भी बोल रही थी कि वो बड़े टाइम बाद एक बड़ा अच्छा और बड़ा सूदिंग और बड़ा टची और बड़ा स्ट्रॉन्ग वोकल वाला सॉन्ग था, बहुत ज्यादा. राइट. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आसिम का भी पोस्ट देखा है, वेर ही इज प्रेजिंग योर एक्सप्रेशंस, और बोल रहे हैं जिस तरीके से प्रेजेस शावर कर रहे हैं आपके ऊपर, आपने देखा ही होगा वो, क्या कहना है आपका? आज पोस्ट किया बिकॉज आज ही रिवील कर सकते थे, बट जब मेरे पास आंसर कॉपी आई थी, दिखा दिया था हमको, भेज दिया था कि देखो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ ये गाना अभी होगा. तो या ऑलवेज प्रेज मिलती है उनकी तरफ से, और हम एक दूसरे को, अभी उनका गाना आया तेरी गली, तो मैं उनको प्रेज कर रही थी. वो तो मेरे सामने ही प्रोजेक्ट जो भी था ना डन हुआ,
और ये जो सॉन्ग था तो इज लाइक वो वोकल बड़ा ऑडियो बड़ा अच्छा है, ऑडियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ा मस्त ऑडियो है. तो एवरी टाइम मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में और हैवी वर्ड्स में प्रेज मिलती है. तो मेरे लिए तो अब ऐसे हो गया कि अच्छा अभी नेक्स्ट सॉन्ग करूंगी, अभी फिर मिलेगी. तो ठीक है, अच्छा लगा. एज पार्टनर्स आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं काम में. अगर आप कुछ अच्छा करती हैं तो वो आपके बारे में लिखते हैं, वो कुछ अच्छा करते हैं आप उनके बारे में लिखते हैं. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक कपल के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के काम में भी एक दूसरे को सपोर्ट करें और जहाँ पे पर्सनल लाइफ में भी सपोर्ट करने की बारी आए तो वहाँ पे भी एक दूसरे के लिए खड़े रहें. See, the most difficult part is हमारा profession जो है वो मीडिया से जुड़ा हुआ है. अदरवाइज और जो profession होते हैं 9-to-5 job या मतलब उसमें पर्सनल लाइफ या आपकी हर छोटी चीज जो है वो पब्लिश नहीं होती है उन चीजों में. यहाँ पे क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका प्रोफेशन और लड़कियों के साथ काम करना, मुझे और लड़कों के साथ काम करना. सो ये ओपन थिंकिंग हमें ऑलरेडी पता है एज अ आर्टिस्ट, सो वो अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है. लेकिन अभी इस वक्त क्या है कि बिग बॉस अभी फिनिश हुआ था और उस वजह से हर छोटी चीज लोग देख रहे हैं. अगर मैंने गाना नहीं रीशेयर किया तो उनको लगता है वो फिर कोई प्रॉब्लम आ गई. ये जब से बाहर आया 20 बार ये चीज मीडिया में घूम चुकी है, वो अच्छा आप कुछ हो गया, आप कुछ हो गया, आप कुछ. एवरी टाइम हम आंसर नहीं कर सकते कि वो अच्छा नहीं, एवरीथिंग फाइन राइट. बिल्कुल. लेकिन काम के टाइम पे ये भी नहीं हो सकता है कि हर वक्त मैं उनको बोलूं नहीं आप मेरे साथ ही काम करो या वो मुझे बोलो मेरे साथ ही काम करो. तो इंडिविजुअली आसिम रियाज इज आसिम रियाज एंड आई एम हिमांशु खुराना. तो हम बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट बन के गए थे, वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी अलग अलग रहेगी और है, लेकिन पर्सनली वो हमारा पर्सनल मैटर है. वो चीज अब फिनिश हो चुकी है, उसको जितना पब्लिकली हो सकता था वो ऑलरेडी आ चुका है. उसके बाद अब थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए क्योंकि हर वक्त भी वो नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं इंसान टेम्पर लूज करता है एट द एंड ऑफ द डे, यू आर अ ह्यूमन बीइंग. तो काम का बड़ा स्ट्रेस रहता है, ऊपर से कोरोना है अभी, उसमें गाइडलाइंस के अंडर शूट करना, फिर सेट पे इतनी टेंशन रहनी, ऊपर से और चीजों का बर्डन आना, ऊपर से जजमेंटल थिंकिंग इतनी ज्यादा थ्रो होती है आपकी तरफ कि वो ऐसा हो गया वैसा हो गया. तो हर वक्त आप उन चीजों में नहीं पड़ सकते, यू हैव टू बी ओपन माइंडेड. एंड एक एज हमारी सर्टेन एज में हम आ चुके हैं जहाँ पे वो टीनेजर वाला लव नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज को लेके गुस्सा करते बैठे, थोड़ा मैच्योरली हैंडल करना पड़ता है चीज को. हिमांशी की जब अभी आप लोगों ने यू नो लॉकडाउन में शूट किया तो कितना डिफिकल्ट रहा शूट करना, क्योंकि यू नो कोरोना के टाइम में शूट करना ये किसी को भी बेसिकली अंदाजा नहीं था कि किस तरीके से शूटिंग होगी, लेकिन इतने सारे नॉर्म्स के साथ शूट करना कितना डिफिकल्ट रहा. पलक झपकते ही लोग यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन लाइफ ऑलमोस्ट आपकी सोच से परे हो गई है. तो चीजें हम इसके हैबिचुअल थे पहले, वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है. तो इस चीज ने भी बड़ा स्ट्रेस दिया है सबको, बहुत ज्यादा. तो हम जब शूट कर रहे हैं मास्क पहन के रखो, वैनिटी सैनिटाइज और चीजें, हर बंदे से डर लग रहा है. अब बींग ए सेलिब्रिटी आप शूट पे जाते हो, वहां पे और बहुत लोग आते हैं, मैम फोटो करवा लो, मास्क उतार के करवा लो, लोगों को पता कैसे लगेगा. अब मैं उनको मना करती हूँ तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर नहीं करवाती हूँ उस पर तो चलो जजमेंटल थिंकिंग आ ही जाती है. अगर करवा रही हूँ तो मुझे खुद की भी हेल्थ का डर है भाई, क्योंकि मेरे पीछे फैमिली है, मेरा भी छोटा भाई है या मेरे भी आसपास लोग हैं जो जिनकी फैमिलीज उन्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेज रही है, चाहे मेरी डिजाइनर है या मेरा मेकअप आर्टिस्ट है या मेरी मैनेजर है, पूरी टीम है आपकी, फैमिली है राइट. तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. बट यस, इन चीजों से डील करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप बचते 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 कितना बचा लोगे, क्योंकि जब आप शूट कर रहे हो और आप ये देखो हमारा काम ऐसा है, हमें करना ही पड़ेगा और हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा, तो ये भी थोड़ा सा डिप्रेसिंग है थोड़ा सा. लेकिन कर रहे हैं डील उस चीज से, जितना हो सकता है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जितना हो सकता है कम लोगों में काम कर. एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितना एंजॉय कर पा रहे हो आप?
क्योंकि उसका भी एक अपना अलग मजा है, प्रॉब्लम्स भी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब इंसान के दिमाग में होता है, आप सोच के चलो, वो सिर्फ एक टैबू बना रखा है लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस। जो लड़ते हैं वो अभी लॉकडाउन में आपको भी पता ही होगा, एक घर में बहुत हस्बैंड वाइफ या लोग आपस में लड़ ही रहे हैं। अब सब बोल रहे हैं कि काम पे जाओ, अब थोड़ी स्पेस दो। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। नो तो आपके लिए कैसा कट रहा है, मतलब डू यू गाइस कनेक्ट ऑन वीडियो कॉल्स, फोन्स, मैसेजेस? अभी मेरे बैक टू बैक शूट चल रहे हैं, उनकी अलग रूटीन है, तो अभी थोड़े टाइम से तो ज्यादा नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, बिकॉज जब मैं फ्री हूँ वो फ्री नहीं है। तो ठीक है, लेकिन यस पूरे दिन में एक दूसरे का हाल चाल और डेली रूटीन और ये सब कुछ, तो हम एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे अभी इस वक्त क्या है कि अगर फोन पे इंसान लगा रहे तो हम और चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते, या अगर पूरा उस पे फोकस करेंगे तो इधर नहीं, तो बैलेंस करके चल रहा है। राइट। हमने लॉकडाउन में आपको काफी मजे भी करते हुए देखा है, जिस तरीके से आपने फैशन शो वगैरह घर पे ही रैंप वॉक बना लिया था, दैट वाज क्वाइट हिलेरियस एंड एंटरटेनिंग। हमारी अभी तंबोला पार्टी रहती है, हमने तंबोला पार्टी का भी वीडियो एक बनाना था। तो क्या क्या किया बेसिकली तीन महीने में, क्योंकि हमने आपको ज्यादा इंटरव्यूज देते हुए या बहुत ज्यादा लाइव्स करते हुए नहीं देखा, जो बाकी आर्टिस्ट कर रहे हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए। आपने अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, तो हमें बताइए लॉकडाउन में कैसे बिजी रखा अपने आप को? लॉकडाउन में मेरा छोटा ब्रदर जो था वो मेरे साथ रह रहा था, तो मैंने उसको ज्यादा कन्विंस किया दोबारा से कि फोन छोड़ के पेंटिंग करे, तो मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया ब्रदर के साथ, और हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हुई बिकॉज मैं बिजी रहती थी काम की वजह से। तो डांस किया मैंने, बहुत टाइम पहले डांस छोड़ दिया था, उसके बाद फिर से वीडियोज बनाई, फिर हमारी जो टीम थी वो आसपास ही रहती थी 1 किलोमीटर के एरिया में, तो वो हमारे घर आ जाते थे, ड्रेसेस ट्राई करना, फोटोज करना, तो उसी में इतना ज्यादा बिजी रहे कि यस अभी टाइम है, यू नेवर नो कि दोबारा ऐसा टाइम कब मिले आप अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज जैसे आपको पता है सैटरडे संडे लॉकडाउन हो गया, तो बहुत से जो आर्टिस्ट थे जो अपने बच्चों को या बीवी को या अपने पार्टनर्स को टाइम नहीं दे पाते थे, अब वो सब फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये टाइम बहुत कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं इसकी, लेकिन पॉजिटिव ये है कि फैमिली के साथ तो हम अलग अलग एक्टिविटीज करते थे, अलग अलग रोज, आज ये करेंगे, आज कुकिंग करेंगे, आज ये वाली डिश बनाएंगे। सो माय ब्रदर इज मोर इनटू कुकिंग और साथ में वो फनी कमेंट्री भी करता है, तो हमने उसको उस चीज के लिए भी इनकरेज किया कि उसको बिजी रखे ज्यादा। तो अच्छा टाइम था, हमारा इतना ज्यादा पता नहीं चला। राइट। हिमांशी, एज एन एक्ट्रेस आप यू नो बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोज वगैरह कर रही हैं, बट एज अ सिंगर काफी अच्छा यू नो वो चल रहा है, लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है एज एन एक्ट्रेस आप और आपको चैलेंज करें अपने आप को, और फिल्म्स में, शायद बॉलीवुड में या फिर पंजाबी इंडस्ट्री में या फिर कोई और रीजनल सेक्टर में जहाँ आप अपने आप को और एक्सप्लोर करें, या वेब सीरीज में, आर यू ओपन टू दैट? यस, क्या था बहुत मैंने बहुत छोटी एज में ये काम स्टार्ट किया था, तो आई वाज 16 उस टाइम पे मैंने एक मूवी की थी जो ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी पंजाब में, बट वो फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि एक सर्टेन एज के साथ आप ग्रूम करते हो और एक्सपीरियंस बहुत प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में बहुत फर्क होता है, आप एक्टिंग सीख लेते लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते हो या कैमरा को एक्सपीरियंस नहीं करते हो तब तक आप में वो बॉडी लैंग्वेज नहीं आ पाता। तो उस टाइम पे मैंने खुद ही डिसाइड किया कि जब तक मैं थोड़ी और एज मेरी नहीं हो जाती, लाइक वो टीनेजर थी उस वक्त, मेरा वॉइस, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा फेस या मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं उस चीज को वेस्ट नहीं करना चाहती बैक टू बैक करके, तो मैंने मूवीज को होल्ड पे रखा और मैंने सोचा कि पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ इस चीज के लिए। तो उसके बाद फिर जब 2 साल पहले मैंने मन बनाया तो यहाँ पे पंजाबी मूवीज में ट्रेंड चल पड़ा लड़के लीड पे और लड़कियां, तीन लड़के तीन लड़कियां, ऐसे
कॉमेडी फिल्म्स का दौर चल पड़ा, मल्टी स्टार मुझे यस मल्टी स्टार, तो जिसमें स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम थी और उससे भी आप, क्योंकि इंडस्ट्री छोटी है तो उससे आप अपना एक्सपोजर खराब करते हो. तो मुझे ये था कि मुझे जब करनी है अच्छे बैनर की करनी है, अच्छी मूवी, अच्छा कॉन्सेप्ट जिसमें पहले भी से लोग मुझे ये ना बोले, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. तो फर्स्ट मूवी से मुझे ये हो कि ओके ठीक है, दूसरा आपको चांस बहुत कम मिलता है. मुझे था कि बेस्ट वाला ही प्रोडक्ट मुझे चूज करना है. तो अभी यस वेब सीरीज एंड एक वेब सीरीज एंड एक पंजाबी मूवी एंड ज्यादा मैं पंजाब में ही हैप्पी हूँ. मुझे अपने पंजाब में मूवी और वेब सीरीज या करके मतलब इसमें मैं काम करती हूँ, तो मुझे मैं ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड. बट कभी ऐसा कभी कोई एस्पिरेशन आया है कि यू नो इस बॉलीवुड एक्टर के साथ काम करना है? या मुझे आयुष्मान खुराना बहुत पसंद है एज अ एक्टर. उनकी मूवी के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे होते हैं जी, और मीनिंगफुल होती है. मतलब इंसान को देख के लगता है कि मूवी को यहाँ आपने आज कुछ अच्छा देखा ना पूरी फिल्म में. तो अगर मैं करना चाहूंगी तो यस डेफिनेटली उनके साथ, जो फाइन एक्टर्स हैं. तो मुझे मेरा ज्यादा उस तरफ ध्यान है. तो या आई डोंट वांट टू बी अ आई कैंडी. ओह दैट्स अ क्वाइट अ स्टेटमेंट, बिकॉज ज्यादातर एक्ट्रेसेस ये चाहती हैं कि बड़े खान्स के साथ काम मिल जाए ताकि उनका करियर एक तरह से निकल पड़े. बट दैट्स क्वाइट अ स्टेटमेंट दैट यू वांट टू डू मीनिंगफुल रोल्स. यस मतलब एक पॉइंट के बाद आप गाने में अच्छा देखना, व्हिच इज वेरी टफ जॉब. उनका भी अलग एक, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड क्रिटिक्स, जो डिफरेंट डिफरेंट जोनर हैं. तो मैं शुरू से ही वैसे फिल्में पसंद करती हूँ. विद्या बालन की फिल्म लगती है, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती हूँ. कंगना की लगती है, बिच्छा चड्डा की हो कोई फिल्म, और आयुष्मान की हो, या मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हो, तो मैं ये फिल्म कभी नहीं छोड़ू. या बिल्कुल राजकुमार राव हो गए, अभी विकी कौशल हो गए, आलिया की फिल्म भी मैं मतलब मुझे बहुत पसंद है, एज अ राजी थी या कुछ. तो मुझे वैसे जोनर बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा. क्या हिमांशी, इज हिमांशी ओपन टू डूइंग मोर रियलिटी शोज, या इट्स डन फॉर हर? रियलिटी शोज बिग बॉस से बड़ा रियलिटी शो कोई नहीं था, और अभी उसी का फीवर खत्म नहीं हो रहा है. इट वॉज अ टफ जॉब एंड मतलब कुछ जाता है तो कुछ आता भी है. बिग बॉस ने दिया भी बहुत कुछ है, लिया भी बहुत कुछ है. तो लाइफ ऐसी चलती है बैलेंस. तो अगर आगे कुछ होगा तो डेफिनेटली, बट अगर अच्छा लगा तो यस, होगा नहीं हो तो मना कर दूंगी. आप आपको एक्साइटिंग लगता है खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज का हिस्सा होना? मैं बड़ी एडवेंचरस हूँ. सबको लगता होगा कि मैं बड़ा धीरे धीरे या सॉफ्ट बात करती हूँ या कुछ. मैं बड़ी एडवेंचरस हूँ, और मेरा जैसे हिल स्टेशन पे एक बार शूट चल रहा था, तो मैं माउंटेन रोपिंग, ये वो माउंटेन क्लाइंबिंग, ऐसे वाले जो एक्टिविटीज होती है वो हमने बड़ी ट्राई. तो मुझे बड़ा पसंद है ऐसे वाले एक्टिविटीज करना. तो हिमांशी, आपने यू नो आसिम को एज अ दोस्त देखा, अभी यू गाइज आर इन द डेटिंग फेज, लेकिन जब आपने काम किया तो एज अ को-स्टार वो कैसे हैं एज एन एक्टर? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे पहले से एक्टिंग करती आ रही हैं, लेकिन उनके लिए मॉडलिंग के बाद अब एक्टिंग का ब्रेक उनको मिला था. तो एज एन एक्टर एज अ को-स्टार क्या 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 कहेंगे आप उनके बारे में? इतना पता ही नहीं चला, बड़ा सिंपल था. शूट पे कल्ला सोना नहीं के शूट पे हमने एक्ट किया, और तब मुझे बहुत हाई फीवर था बिकॉज मैं मैं बहुत ज्यादा बीमार. तो उन्होंने मतलब उस तरीके से भी, कि ज्यादा देर मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था कि मैं सीन फटाफट करूँ फिर वैनिटी में. तो उस वक्त बड़ा सिंपल था, और टीम भी बड़ी अच्छी थी. गुरिंदर जो थे, गुरिंदर बावा ने डायरेक्ट किया था, तो बड़ा कंफर्टेबल माहौल था. और उसके बाद जो ख्याल रखिया कर किया वो भी बड़ा इजी था, बिकॉज एक पॉइंट पे जब आप रोमांटिक सॉन्ग शूट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो
sort of real ही लग रहा होता है आपको, तो वो और भी ज्यादा easy हो जाता है शूट करना. एंड अब आपने इतने टाइम तक डेट कर लिया है आसिम को, एज अ बॉयफ्रेंड कैसे रेट करेंगे उनको, आउट ऑफ 1 आउट ऑफ मतलब 10 आउट ऑफ क्या मार्क्स देंगे उनको? He is very expressive and yeah, he's a very nice and मतलब हर लड़की को ऐसा पर्सन चाहिए. मैं कम एक्सप्रेसिव हूँ जिसकी वजह से मुझे बड़ा जज भी करते हैं. मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं थोड़ी ओल्ड कस्टम टाइप हूँ कि हाँ ठीक है नजर लग जाती है या समथिंग समथिंग, तो मैं ज्यादा नहीं एक्सप्रेस करती, तो वो ज्यादा करते हैं. तो रेट क्या कर सकते हैं, he's a brilliant person. Thank you so much, Himanshi. It was great talking to you. Jaise Hankisha, you are a lovely person to chat with. And take care of yourself. You. Be happy always. Thank you.